हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मार्केट मैथ्स। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि 5 किलो तरबूज का दाम 75 रुपए है तो 7 किलो तरबूज का दाम कितना होगा? सोचिए। इसके आंसर ये रहे, इसमें से आपको चुनना है। ये सारे ऑप्शन में से कोई एक आंसर है। अगर यदि आपने आंसर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका तरीका जानिए कि कैसे होता है। तो देखिए, बहुत ही इजी है। जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन में से ये 5 किलो तरबूज में से हम लोग को 1 किलो का दाम पता करना है। मतलब 5 किलो का 75 रुपया दिया है तो 1 किलो का कितना होगा? तो देखिए, वह ऐसा होगा, इसको डिवाइड कर दो। तो देखिए, ये ऐसे होगा, इस 75 को 5 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 6 5, 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, ऊपर तरफ 5 नीचे। अब यहाँ पे 25 हो रहा है तो 5 5 25, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 15 रुपया मिला। ये आपका भागफल मिल रहा है 15, सो इसका आंसर हुआ 1 किलो का 15 रुपए। तो आप बता सकते हैं, अभी जब 1 किलो का 15 रुपए है तो 7 किलो का कितना होगा? बस टेबल पढ़ना है अभी इन दोनों का पहाड़ा पढ़ लीजिए आप। 7 15 का 7 बार पढ़िए या 7 का 15 बार पढ़िए। मैं 15 का पढ़ता हूँ, तो 15 7 105, तो इसका राइट आंसर है 105 रुपए। नाउ मैं अभी क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है वीडियो के कमेंट्स में। नाउ एट द एंड फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने जरूरतमंद यारों के साथ में या फिर भाई बंधुओं के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी कुछ सीख सके। एंड यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो नीचे देखे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नाउ बाय बाय, स्टे होम।